सबैलाई टिस्टा सँग टिस्टा रंगित च्यानलहरुमा सबै दर्शकबिनहरुलाई हाम्रो इस्लाम प्रगति समिति प्रगतिगम दार्जिलिङका हाम्रो टिमबाट सबैलाई गोर्खे सलाम म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला सल्लमको जन्मदिवस 2 तारिक डिसेम्बर मा आउँदै छ त्यसको खुशियालीमा चाहिँ हामीले यो सोशल अर्गनाइज गरेको तपाईहरुलाई सबैले थाहा छ कि हामीले यो स्ट्राइक जुन 3 महिनाको मासमा ना हामीले रमजान राम्ररी मगाउनु पर्यो मनाउनु पायो ना ईद मनाउनु पायो कुनै पनि फेस्टिभल हामीले राम्रो मनाउनु पाएन तर हामीले सोच्यौ कि अब यो हाम्रो सब ईदको ईद दशैं भन्दा पनि ठुलो हाम्रो प्रोफेट मोहम्मदको जन्मदिवस आउँदै छ किन हामीले यसलाई भव्य रूपमा नगर्ने भन्ने त हाम्रो सल्लाह भयो र हामीले एउटा यसलाई कस्तो गर्नु प्रकारले लाई भन्दा चाहिँ हामीले एउटा कोही सोशल काम गरौँ कसैलाई फाइदा हुने होइन गरिब दुखी हुनुहुन्छ जो उनीहरूलाई पनि केही फाइदा होस् भनेर चाहिँ हामीले यो अर्गनाइज गरेको यसमा हामीलाई धेरै मानिसहरूले हेल्प पनि गरेको छ सर्वप्रथम त हाम्रो गदावारी सङ्घका समाजले हामीलाई धेरै हेल्प गरेको छ त्यसरी नै हामीलाई अन्य दार्जिलिङका दबाई दोकानहरूले पनि हामीलाई मेडिसिन दिएर धेरै सहयोग गर्नुभयो अनि हाम्रो डक्टरहरू जो आफ्नो अमूल्य समयलाई त्यागेर हाम्रो निम्तोलाई अप्नाउनु भयो र आइदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूको बिना हाम्रो यो कार्य सक्सेस हुन्थेन र उहाँहरू डेन्टिस्ट भयो हाम्रो फिजिसियन भयो सबै प्रायः दार्जिलिङ सिलगढीको टिमहरू हुनुहुन्छ कोही मेडिकलबाट आउनु भएको छ कोही आफ्नो क्लिनिकबाट आउनु भएको छ अन्त उहाँलाई पनि हामी च्यानल माध्यमद्वारा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि दार्जिलिङको अन्य ज जसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको सहयोग बिना हामी सफल हुन सक्दैनौँ हामी भविष्यमा पनि आशा गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई राम्रो सहयोग पायो भने हामी अझै राम्रो राम्रो सोसियल कामहरू गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ माइसेल्फ डॉक्टर आशुतोष शर्मा ये हम लोग सब मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पर अलग अलग स्पेशलिस्ट हमारे पास में अवेलेबल है अभी यहाँ पे हम लोग के पास में जनरल फिजिशियन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है पीडियाट्रिशियन है और गायनिक डॉक्टर है जनरल फिजिशियन के साथ साथ में जनरल सर्जन भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर हम लोग नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी से हैं बेसिकली वहाँ पे हम लोग डॉक्टर हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में मतलब हमारा बेसिक लक्ष्य ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि जिनको हॉस्पिटल की सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती है टर्शरी सेंटर की केयर नहीं प्रोवाइड हो पाती है तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग करें और जिन लोगों को वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर टर्शरी केयर की ज़रूरत है तो उन लोगों को हम लोग टाइम पे वो सुविधा प्रोवाइड करा पाएँ जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो हम लोग उन तक पहुँचना चाहते हैं यही हमारा आज का जो कैंप है हेल्थ कैंप है इसका लक्ष्य है हम लोग यहाँ पर सभी को फ्री दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है उनको स्क्रीन करके उनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में हम लोग रिफ़र कर रहे हैं ताकि उनको सही टाइम पे सही चिकित्सा प्रोवाइड करा सकें हम लोग हेलो मेरा नाम डॉक्टर रितिका बक्टेरिया है मैं अनाया डेंटल केयर की ओनर हूँ जो सिलीगुड़ी में प्रेजेंट है आई एम अ डेंटिस्ट ओरल सर्जन आई एम वर्किंग सिंस 3 ईयर्स इन अनाया डेंटल केयर एंड सिंस 5 ईयर्स इन सिलीगुड़ी देखिए ये कैंप ये दूसरी बार हो रहा है इसके पहले जब लास्ट ईयर ये 10 सितंबर को हुआ था तब भी हम आए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस था काफ़ी लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स जो उन लोगों को नहीं पता है नहीं आइडिया है कि रूट कनाल क्या होता है और दांत कैसे निकलता है और स्पेसिफिकली छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत भी आ चुके हैं और परमानेंट दांत भी आ रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि कब दूध के दांत टूटेंगे कब कौन सा परमानेंट दांत आएगा तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ था बहुत सारी इन लोगों को इनकी क्वेरीज़ और डिफ़िकल्टीज़ क्लियर हुई थी बहुत लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में डेंटल से रिलेटेड कैसे ब्रश करना है कैसे माउथ वॉश यूज़ करना है हम लोगों को मेंटेन कैसे करना है कैसे हमें डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में चेकअप कराना है ये सब चीज़ों को हमने बताया था और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया काफ़ी लोग अनाया डेंटल केयर सिलीगुड़ी में आए भी थे पीछे ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनको हमने यहाँ पर 50% डिस्काउंट कूपन्स भी दिए थे जो उन्होंने वहाँ आके अवेल किए तो लास्ट ईयर इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम एंड आई विश कि इस साल भी ऐसा ही हो हम लोग सब तैयारी से आए हैं और हम देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी डॉक्टर्स भी आए हैं तो ये जो समिति कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि डेंटल एक ऐसी चीज़ है जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं
जब तक उनको पेन नहीं होता है वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं. तो बहुत चीज़ें हैं जो इग्नोरेंस में उनको पता नहीं है, लेकिन इस कैंप के तरीके से इन लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी कोई सुविधा है. आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, 15 ईयर्स वारंटी के जिरकोनिया क्राउन्स आ गए हैं. तो ये सब जनरली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि दांतों की सफाई, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला ये सब छोड़ना चाहिए. अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो क्या क्या डेवलप होगा, किस टाइप की बीमारियाँ डेवलप होती हैं. तो यही सब बताने के लिए हम जनरल क्राउड को आ जाए हैं. डेफिनेटली देखिए, डेंटल एक ऐसी चीज़ है कि हम सबको प्रॉब्लम होती है, आज नहीं बचपन में कभी, बुढ़ापे में कभी. कोई भी एक इंसान इतने डेंटल टीथ होने के वजह से कोई भी ना किसी को कभी ना कभी प्रॉब्लम होती ही है. तो सबसे पहले ये हमारे हाथ में होता है कि हम उस डेंटल प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें. अगर छोटा सा कैविटी हो रहा है, कहीं खाना घुस रहा है, तो सबसे पहले जाके डेंटिस्ट के पास जाके उसका फिलिंग करा लीजिए. क्योंकि जैसे एप्पल अगर सड़ना शुरू होता है तो वो पूरा ही सड़ता है, बीच में नहीं रुकता है. सेम प्रोसीजर से दांत में भी अगर सड़न शुरू होती है तो वो पूरी बढ़ के दांत को ख़त्म कर देती है. और भगवान ने हमें जो दांत दिए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, एक बार सड़ने के बाद, निकालने के बाद वो दोबारा आपके मुंह में नहीं आएंगे. तो इसलिए हम अपने दांतों को सेव करें, अच्छे से दोबारा रात को भी सोने से पहले ब्रश करें. स्टिकी फूड, मीठा ये सब ज़्यादा ना खाएं. अगर खाते भी हैं तो रात को ब्रश करके सोएं. मेन चीज़ ये है कि डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाते रहिए, ताकि कोई भी छोटी छोटी चीज़ों का पहले ही सोल्यूशन हो जाए, ताकि वो बड़ा बीमारी ना बने. और उसका पहले लास्ट एंड में सोल्यूशन फिर दांत निकालना होता है. तो आप अपने दांत को मत खोइए, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का. हम बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ हमें, हमारे लिए खाना ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर हम वो ही ना कर पाएँ तो क्या मतलब है. इसलिए पहले से ध्यान रखिए, ब्रश दोबारा दो बार करिए. अगर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो सेंसिटिविटी के पेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज़ करिए, दो बार ही ब्रश करिए. एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को शुरुआत से माउथ वॉश का हैबिट डालिए, उन लोगों को डेंटल चेकअप कराइए. ये मत सोचिए कि दूध के दांत गिर जाएंगे. दूध के दांत भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके दूध के दांत भी गिरे नहीं होते और परमानेंट दांत पीछे से आने लग जाते हैं, तो उनको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है. तो ये सब चीज़ों के लिए, जब से आपका बच्चे के आपको दिख रहा है कि उनके मुँह में दांत आ गए, ऑलवेज इन एवरी 6 months ब्रिंग देम डाउन टू द डेंटिस्ट, सो दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एट द लोअर ग्राउंड लेवल before it goes to a bigger problem.